हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञानाश्रम। और आज से जो है हमारा बीएसटी का चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, जो है कि प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। और सिलेबस वाले वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसमें हम लोग प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे, प्रबंध का आशय पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएँ, ये सारी चीज़ें, उसका महत्व, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रबंध को बिल्कुल साधारण सी भाषा में पहले समझना ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो प्रबंध है, नॉर्मल वर्ड, केवल प्रबंध का नॉर्मल क्या अर्थ, मतलब प्रबंध शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? किसी चीज़ को मैनेज करना, है ना। जैसे घर भी अगर चलता है, अपने निजी जीवन की बात की जाए तो वहाँ पे देखिए, जब घर चलता है, एक महीने का जो भी खर्च है, कैसे क्या मैनेज करना है, उसमें हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, जो भी हमारे घर के बड़े होते हैं। कभी अगर बर्थडे पार्टी होता है, शादी होता है, कोई भी फंक्शन है, उसके लिए पहले से मैनेजमेंट किया जाता है, क्या कैसे होगा, कितना खर्च होगा, कहाँ कितना खर्च करना है, कैसे कैसे जो है कि मैनेज करना है। तो प्रबंध नॉर्मल से शब्द में आप समझ लीजिए किसी चीज़ को मैनेज करना नियोजित तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम व्यवसाय के लिए, यानी व्यावसायिक रूप से प्रबंध का क्या अर्थ है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रबंध संस्था के सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, अब ध्यान दीजिएगा, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति बोला गया है, यानी कि प्रबंध करने से पहले उसका उद्देश्य निर्धारित होता है, यानी जो भी कार्य करना है उसका क्या उद्देश्य, किस पर्पस से हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो उद्देश्य पहले निर्धारित किया जाता है। इसलिए यहाँ बताया गया प्रबंध संस्था के, ठीक है, प्रबंध किसी संस्था के सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दूसरे व्यक्तियों के साथ, ठीक, दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर कार्य करने एवं कराने की कला है। यानी कि दूसरे व्यक्तियों के साथ काम कर भी रहे हैं और उनसे कैसे काम करवाएं कि उद्देश्य प्राप्ति बिल्कुल सही तरीके से, जो सोचे हैं उस तरीके से हो, ठीक। तो नॉर्मल लैंग्वेज में बिल्कुल समझते हैं हम लोग प्रबंध क्या है। तो संस्था के समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करना और काम करवाना, यही हमारा क्या है, प्रबंध है, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी परिभाषा, क्योंकि परिभाषा समझ लेंगे तो जो है कि काफ़ी सही रहता है समझने में, है कि नहीं। परिभाषा भी याद हो जाता है और अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो सबसे अच्छा जो परिभाषा हमें लगा वो यहाँ पर हेरोल्ड कुंच जी का है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा प्रबंध का कार्य, ठीक है, दिख रहा है, प्रबंध का कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा तथा उनके साथ मिलकर काम करना है, ठीक। जो बात आपने यहाँ पर समझा है वही सेम चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताया है कि प्रबंध का काम क्या है, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा काम करवाना और उनके साथ मिलकर काम करना, यही है प्रबंध, ठीक। काम क्यों होगा, किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर सरल शब्दों में इसको एक बार और एक्सप्लेन किया है मैंने, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, सरल शब्दों में क्या बताया गया, प्रबंध से तात्पर्य, यहाँ पे इसको बहुत डीपली समझना है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए तो प्रबंध, प्रबंध के सारे कार्य सब आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो चूंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है ये हमारे बीएसटी का इस बार, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है, क्योंकि पूरे 5 चैप्टर्स आपने देखा होगा सिलेबस वाले वीडियो में, मैंने आपको बताया था पूरे 5 चैप्टर्स जो है कि प्रबंध के कार्य के हैं। और वो आपको कब अच्छे समझ में आएगा, जब आप इसका अर्थ अभी से ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा सरल शब्द मैंने लिखा है, इसीलिए लिखा है ताकि उन चीज़ों में आप कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ देखिए, प्रबंध से तात्पर्य दो या दो से अधिक मतलब व्यक्तियों का समूह, ठीक है। तो प्रबंध से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथा उनके साथ मिलकर, यानी यहाँ पे भी वही बात कहा गया कि ग्रुप में लोगों से काम करवाना और उनके साथ मिलकर काम करना, ठीक। आगे क्या बोला गया, निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, ये भी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ के प्रबंधन से पहले उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि क्या पर्पस है इसको करने का, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया, प्रबंध से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथा उनके साथ मिलकर निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नियोजन, अब ध्यान दीजिएगा, यही सब आपको आगे काम में भी मिलेगा, बस ये अलग से प्रेरणा वाला जो है ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, नियोजन संगठन, अभी हम इन सब का शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा अर्थ आपको समझा देंगे, ठीक है। नियोजन संगठन समन्वयन निर्देशन एवं नियंत्रण तथा प्रेरणा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रबंध में नियोजन, यानी पहले योजना बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, योजना बनाना, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वित्तीय स्रोत, सारे साधन कैसे उपलब्ध होंगे, कैसे खर्च किया जाएगा, ये सारी चीज़ों का पहले पूर्वानुमान लगा करके योजना बनाया जाता है, ठीक। और नियोजन वाले में ही हमारा जो नियम नीतियाँ बनती हैं वो सारी चीज़ें भी इसी में होता है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रबंध से तात्पर्य दो या दो अधिक व्यक्तियों के द्वारा या उनके साथ मिलकर
निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियोजन के जरिए संगठन, संगठन में क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है ना, कि बहुत सारे लोग अगर इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं तो सबका पोस्ट होना चाहिए, है ना, कैसे कौन किस पोस्ट पे किसके अंडर कौन काम करेगा, सारी चीज़ें। तो जो कार्य करने का संरचना है ना वो किस तरीके से होगा, वो हमारा संगठन में होता है। उसके बाद समन्वय की बात करें तो सब लोग मिल करके काम करें, है ना, सब लोग मिल करके काम करें एक दूसरे के साथ बिल्कुल समन्वय के साथ। उसके बाद निर्देशन, है ना, निर्देशित करना, दिशा निर्देश देना, बताना कि कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें भी हमारा प्रबंध में शामिल है। आगे देखिएगा, आगे क्या बताया गया, एवं नियंत्रण, नियंत्रण यानी सारी चीज़ें सही से चल रही हैं कि नहीं, सारा काम सही से हो रहा है या नहीं, अगर कहीं किसी तरह का त्रुटि है, कुछ गड़बड़ी दिख रहा है तो उसमें सुधार करना। साथ ही आगे देखिए प्रेरणा, यानी कि जितने भी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना, काम करने के लिए और उत्सुक करना, उनकी अपनी इच्छा जगाना काम करने के लिए, ये सारी चीज़ों के माध्यम से अधिक साधनों का उपयोग करके, है ना, अधिक से अधिक साधनों का उपयोग करने का मतलब क्या कि साधनों का पूरा जितना उपयोग कर सकते हैं हम, है ना, अधिकाधिक उसका साधनों का लाभ लेकर के उनका प्रयोग करके कार्य करने एवं कराने की कला से है। अब इसको एक बार और समझेंगे, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रबंध का कार्य नहीं है, इसमें से आपको कुछ कुछ पॉइंट भले ही मिलेगा, लेकिन यहाँ हम केवल आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। इन्हीं में से छट के पूरे मुख्य रूप से पांच कार्य आते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी आप अर्थ के लिए समझिएगा कि प्रबंध में क्या क्या होता है, प्रबंध में क्या क्या होना चाहिए, प्रबंध में योजनाएं बनाई जाती हैं, संगठन तैयार किया जाता है, ढांचा तैयार किया जाता है, संरचना बनाया जाता है, कैसे काम होगा मिल करके, समन्वय एक दूसरे के साथ मिलकर, क्योंकि ग्रुप में है तो समन्वय होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, तो समन्वय के साथ। उसके बाद निर्देशन, कि एक कोई मुखिया ऐसा हो जो सबको बताए, निर्देशित करे कैसे क्या काम करना है। साथ ही नियंत्रण बहुत जरूरी है कि सारे लोग मिलकर कर रहे हैं तो सबका अपना अपना तरीका है, तो देखना कि काम सही से हो रहा है या नहीं, उसमें सुधार करना, और साथ ही जितने भी लोग हैं उनको प्रेरित करना काम करने के लिए, ठीक, काम करने के लिए उनकी जिज्ञासा और बढ़ाना, इच्छा और बढ़ाना, इन सब के माध्यम से ज्यादा जो भी उपलब्ध साधन है उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके कार्य करने एवं कराने की कला से है। समझ में आया, उम्मीद है अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो प्रबंध है हमारा क्या है। तो प्रबंध व्यक्तियों के समूह के साथ मिलकर काम करने एवं कराने की ऐसी कला है जिसमें निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण और प्रेरणा के माध्यम से क्या किया जाता है, उद्देश्यों को पूरा किया जाता है और काम किया जाता है मिलकर के। समझ में आया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है हमारा, अभी आप लोग बिल्कुल नए नए हैं, तो इसको समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक और तरीका यहाँ पर मैंने अपनाया है। अब आप लोग यहाँ देखिए, नियोजन में जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पिक्चर में छोटा छोटा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, एक है जो सबको एक आइडिया बता रहा है, प्लान बता रहा है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ नियोजन में क्या किया जा रहा है, प्लानिंग किया जा रहा है, बस यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझिएगा ताकि एक बार बस क्लियर हो जाए कि किसमें क्या होता है, ठीक है। उसके बाद संगठन की बात करें, जो कि हमने अभी आपको पीछे बताया है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक लाइन से बताया, नियोजन, संगठन, समन्वय, तो इन्हीं चीज़ों को वहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में एक्सप्लेन किए हैं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि पूरा इसी पर टिका हुआ है आपका बीएसटी। आप जितने अच्छे से प्रबंध को समझेंगे उतना ही आसानी होगा आपको उनके कार्यों को समझने में, ठीक। और एक बार हर कार्य का अर्थ बहुत अच्छे से जब आप समझ जाएंगे तो उसके अंदर की चीज़ें भी आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो देखेंगे, ठीक है। नियोजन में प्लानिंग किया जाता है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि एक आदमी है जो बाकी सारे लोगों को अपना प्लानिंग बता रहा है कि कैसे क्या कहाँ पर होगा। उसके बाद संगठन में आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर में बना हुआ है ना, इस एक के अंदर ये दो लोग काम कर रहे हैं, ये तीन लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ये सारे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट बना हुआ है, यानी कि संगठन में क्या होता है, संगठन में स्ट्रक्चर तैयार होता है, संरचना बनती है कि कौन किस पोस्ट पे रहेगा, कैसे कैसे पोस्ट बनेंगे, कितने लोग के अंदर कितने लोग काम करेंगे, ये सारी चीज़ों का संरचना तैयार होता है कि कैसे व्यवसाय के अंतर्गत काम होगा। उसके बाद समन्वय की बात करो तो यहाँ देखिए बहुत सारे लोग हैं जो एक ही चीज़ को पूरा करने, यानी एक ही मोटिव से, एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक साथ समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के साथ बिल्कुल अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद निर्देशन की बात करें तो आप यहाँ देखिए एक आगे है जो लीड कर रहा है इन सारे लोगों को, है ना, निर्देशित कर रहा है, इनको बता रहा है कि कैसे क्या आगे करना है, जैसा कि पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ नियंत्रण की बात करें तो देखिए मेन एक बीच में है, सेंटर में, ये जो इन सारे लोगों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है,
है ना, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इनको ये कैसे कंट्रोल करेगा, इनके काम को कंट्रोल करके, इनसे होने वाली गलतियों को सुधार के, इनके काम को चेक करके, ये सारी चीज़ें हमारी नियंत्रण में होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्रेरणा में देखिए ये जो है कि अपसाइड स्टेयर्स बना हुआ है, तो इससे समझ में आ रहा होगा कि इनको और आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो यहाँ प्रेरणा का मतलब आप बस इतना समझिएगा कि काम करने के लिए इनकी इच्छा और बढ़ाने के लिए, ठीक। यही हमारा यहाँ पर है कि प्रबंध के अंतर्गत कैसे कैसे क्या काम होता है, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके विशेषता पर। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो विशेषता और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता है इंसान। तो समझिएगा, सबसे पहला बात उद्देश्य निर्धारण। अभी जब हमने आपको अर्थ समझाया तो वहाँ पे सबसे पहले क्या था, नियोजन। नियोजन में क्या होता है, उद्देश्य ही तो निर्धारित होता है, योजना ही तो बनाई जाती है, उद्देश्य निर्धारित होता है, योजनाएं बनाई जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, है ना। तो सबसे पहला काम जो प्रबंध की विशेषता में होता है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहली विशेषता इसमें यह होगा कि इसमें उद्देश्य निर्धारित किया जाएगा कि आखिर किया क्यों जा रहा है, क्या पर्पस है प्रबंध करने का, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रबंध अधिकारियों की श्रृंखला है। अधिकारियों की श्रृंखला मतलब वही व्यक्तियों का समूह, है ना, और ये एक चेन की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई किसी के अंडर काम करता है, कोई किसी के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रबंध हमारा अधिकारियों की श्रृंखला है, यानी व्यक्तियों का समूह है जो मिल करके किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि हमने व्यवसाय स्टार्ट किया, प्रबंध किए, काम खत्म। नहीं, प्रबंध ऐसा है कि हमेशा चलता रहेगा। जब तक बिजनेस है तब तक मैनेजमेंट है, ठीक है। जब तक व्यवसाय चलेगा तब तक प्रबंध चलेगा, हमेशा चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। अगर प्रबंधन रुक रहा है इसका मतलब कि आपका व्यवसाय रुक गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, ये हमेशा चलता रहता है। उसके बाद आते हैं मानवीय प्रयासों से संबंधित। जाहिर सी बात है, इसमें कौन काम कर रहे हैं, मानव ही जुड़ करके काम कर रहे हैं, है ना, इंसान ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मानवीय प्रयासों से संबंधित है, यानी जो प्रबंध का कार्य है, जो सारी चीज़ें आपने देखी, चाहे प्लानिंग, चाहे जो है कि ऑर्गेनाइजिंग, जितना भी आपने देखा, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, ये सारी चीज़ें आप लोग क्या देख रहे हैं, इसमें मानव को ही जोड़ा गया, यानी ये मानव के द्वारा ही किया जा रहा है ये सारा प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या है, मानवीय प्रयासों से संबंधित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। बिल्कुल इसी की तरह ये भी बात है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया, यानी ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिल करके किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सामूहिक क्रिया है, इसमें कोई एक इंसान अकेले काम नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं विवेकपूर्ण प्रक्रिया। विवेकपूर्ण मतलब क्या, बुद्धि। प्रबंध कौन कर सकता है, जो मस्तिष्क यानी दिमागी रूप से बिल्कुल सही हो, है ना। तो ये क्या है, विवेकपूर्ण प्रक्रिया, यानी इसमें ऐसे लोग जुड़े होंगे जो मेंटली बिल्कुल सही हैं और बुद्धिमता से काम किया जाता है। इसमें बुद्धि से काम किया जाता है, चाहे कोई भी प्रक्रिया है प्रबंध का, चाहे कोई भी कार्य है, सब क्या है, विवेकपूर्ण तरीके से होता है। उसके बाद सार्वभौमिक प्रक्रिया, बहुत अच्छा ये भी पॉइंट है, ये आसानी से याद भी हो जाता है बच्चों को। सार्वभौमिक यानी सभी जगह पे होने वाली प्रक्रिया, जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ जरूरत पड़ता है चीज़ों का, वहाँ वहाँ काम होता है, वहाँ वहाँ प्रबंध होता है, ठीक है। तो प्रबंध का मतलब क्या, कि जहाँ भी इंसान है वहाँ व्यवसाय होगा ही होगा, और जहाँ व्यवसाय होगा या कोई भी काम होगा प्रबंधन जरूर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी सभी जगह प्रबंध है। आप ऐसा जरूरी नहीं कि आप बुक में पढ़ रहे हैं, बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं तो केवल उसी में नहीं, उसी में है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि आपके निजी जीवन में भी हर जगह मैनेजमेंट है। इवन स्टूडेंट लाइफ में भी आप देखेंगे तो आप सारी चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं कि आपको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने देर में क्या कंप्लीट करना है, कितना याद करना है, सारी चीज़ों का पहले ही प्लानिंग करते हैं, टारगेट बनाते हैं, ठीक। तो जहाँ भी इंसान है, जहाँ भी मनुष्य है, वहाँ वहाँ प्रबंध जरूर है। इसलिए यहाँ पर क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी जगह होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, आर्थिक साधन या उत्पादन का एक घटक। बिल्कुल, इसको उत्पादन के एक घटक के रूप में भी माना जाता है। पहले आपने 9th-10th में देखा होगा, जब उत्पादन का साधन हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या क्या था, भूमि, श्रम, साहस, पूंजी और प्रबंध, ऐसे करके 5 था। थोड़ा सा आगे पीछे होगा लेकिन यही 5 थे। तो वहाँ पर प्रबंध भी आता है हमारा, क्योंकि बिना प्रबंध के उत्पादन करना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेजमेंट के साथ होना, बिल्कुल सही तरीके से होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पर इसको उत्पादन का एक घटक भी बोला गया है कि ये उत्पादन का एक साधन है, यानी उत्पादन करने में काफ़ी सहायता प्रबंध के द्वारा मिलती है। अब यहाँ पर आप अगला 9th पॉइंट देखिए क्या है, वो है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। अब आप इससे पहले प्रीवियस पेज पे आइए और यहाँ पर देखिए, आप जहाँ भी देखेंगे लास्ट में आपको करने एवं कराने की कला है, कार्य करने एवं कराने की कला है। इससे पहले भी आप देखेंगे तो आपको बहुत जगह ये वर्ड आपको मिलेगा, है ना।
तो इससे समझिए कि जो प्रबंध है वो कला क्यों है और विज्ञान क्यों है, इस बात को समझिए पहले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, यानी कि प्रबंध करने की अलग अलग तकनीकें हैं, तो ये काम करने की कला है, पहला क्लियर है। विज्ञान क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिद्धांत भी है, और आपका सेकेंड जो चैप्टर है वो यही है, प्रबंध के सिद्धांत। उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपना अपना जो है कि सिद्धांत दिया, अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए प्रबंध क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। कला इसलिए क्योंकि इसको करने का एक तरीका होता है, ठीक है, उसको सीखने के बाद उस हिसाब से किया जाता है। और विज्ञान इसलिए क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे नियम कानून हैं जिनका पालन किया जाता है, ठीक है। इसलिए प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है, समझ में आया। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, बिल्कुल। अगर प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का किया जा रहा है व्यवसाय में, तो वो किसके लिए किया जा रहा है, समाज के लिए किया जा रहा है, या कोई भी चीज़ का अगर प्रबंध हो रहा है तो समाज में ही हो रहा है ना, इसलिए क्या है, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। यहाँ तक कि जो लोग इसमें काम करने आ रहे हैं वो भी समाज से ही आ रहे हैं, तो प्रबंध क्या है, एक सामाजिक क्रिया है, ठीक है। उसके बाद प्रबंध एक पेशा है, बिल्कुल। पेशा किस चीज़ को कहा जाता है, पेशा वो चीज़ होती है जिनका अलग से समझ लीजिए एक कोर्स किया जाता है, तो ऐसे ही प्रबंध में भी, प्रबंध का भी अलग से मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्स होते हैं, वो कोर्स किया जाता है जिसके बदले डिग्री भी मिलता है और उसके हिसाब से नौकरियां भी मिलती हैं काफ़ी, और यहाँ तक कि जो प्रबंध करता है उसको सैलरी भी मिलता है। इसलिए प्रबंध क्या है, एक पेशा भी है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी विशेषताएँ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिएगा, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से काफ़ी समझ में आएगा हमें कि हमें क्या और इम्प्रूव करना है इसमें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।